फवाद हसन फवाद ने मेडिकल बोर्ड की तशकील के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफरिक दरख्वास्त नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जानिब से दायर की गई। मजीद तफसीला जान लेते हैं उमर शाकिर से। उमर आगाह कीजिएगा। अजी साबिक वज़ीरे आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने मेडिकल बोर्ड की तशकील के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। फवाद हसन फवाद ने दरख्वास्त में निशानदेही की है कि इनकी सेहत ठीक नहीं, अपने तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तशकील देने की दरख्वास्त थी, लेकिन एहतसाब अदालत ने यह दरख्वास्त मुफरद कर दी। दरख्वास्त में यह मौका अख्तियार किया गया है कि मेडिकल बोर्ड की तशकील जरूरी है, इसलिए एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार देकर इनके तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तशकील किया जाए। फवाद हसन फवाद गैर कानूनी असासे बनने के इल्जाम में नैब की जेर हिरासत है और इनकी गिरफ्तारी के लिए एक लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जेर समाअत भी है। आज जो मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है वो समाअत के मुकर्रर कर ली गई है। तकरीबन 12 बजे लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच आज फवाद हसन फवाद की जानिब से दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जिसमें उन्होंने अपने तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड की तशकील की सदा की है। ठीक है।